गोलीकांड केस से बचने के लिए खेला गया घिनौना खेल। पूरा मामला सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के बेलमोहन हलीम टोला का है। आलम यह है कि दर्जनों परिवार दहशत व गुस्से में है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते दिनों स्थानीय मोहम्मद मुस्तफ़ा की पुत्री यास्मीन खातून अपनी पुत्री शायका खातून उर्फ अशफी खातून के अपहरण का झूठा मुकदमा पुपरी थाने में दर्ज कराया था, जिसमें हाजी मोहम्मद जफीर के दोनों पुत्रों मोहम्मद तासीर व मोहम्मद कामिर को आरोपित किया गया था, जो कि बेबुनियाद है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अपनी पुत्री को कहीं छिपा कर रख दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि 20 मई 2020 को हाजी मोहम्मद जफीर के पुत्र मोहम्मद आमिर को आपसी रंजिश में गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। इस मामले में पुपरी थाने में कांड संख्या 110/20 दर्ज हुआ था। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक मोहम्मद नेहाल पिता लुत्फुर रहमान मोहम्मद राजा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सहित लगभग एक दर्जन लोगों को नामजद किया गया था। उसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने के मकसद से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी पुत्री यास्मीन खातून से गलत अपहरण का मुकदमा पुपरी थाने में दर्ज कराया था। फिलहाल पुपरी थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। तफ्तीश के बाद ही हकीकत सामने आएगी। पुपरी SDPO विनोद कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला हमारे संज्ञान में आया है। मैं 2020 में मेरे भाई को घर में आके गोली मार दिया गया था। उसमें निहाल हो गया, एमडी निहाल, एमडी निजाम उर्फ सलमान। उसके बाद उसका भाई है कमाल, एमडी कमाल। उसके बाद आपको गांव से दो ठो है, गांव से हो गया आपको मुस्तफ़ा है और एक राजा हो गया जिसका नाम काट दिया गया। उसके बाद एक अंसार हो गया, अंसार जो उनका खाला का बेटा हो गया, वो दमाद में आया हुआ तो यहाँ मेरे भाई को गोली मारा है घर में के अंदर आके। और अभी जब 2 साल के बाद जब उसका मतलब सजा होने वाला है तो वो क्या किया मेरे ऊपर आरोप लगा दिया इतना गंदा। अच्छा जी, तो लगाया किसने आरोप? आरोप लगाया मुस्तफ़ा है, जो जिन पे हम केस किए हुए थे उन्हीं की बेटी है, जिनका निहाल जो गोली मारे हुआ निजाम ये सब उसी का भाई है, ये दमाद हुआ। अच्छा जी, वही अपनी भतीजी पे मतलब ये आरोप लगाया। अच्छा जी, उसकी भतीजी का एज बहुत कम है, जानबूझ के केस उठाने के चक्कर में ऐसा कुछ किया है। अच्छा जी, लड़की पहले रहती थी दादी के यहाँ, उसके बाद आज यहाँ, यहाँ से कपड़ा लेके जाए तो कोई पूछा कि कहाँ जाए तो जहाँ नौमा में नाम लिखाने। अच्छा, हाँ, उसकी माँ उसको लेकर के गई और ये केस उस किया। अच्छा, अगवा कोई नहीं किया है उसको। हाँ, वो लड़की को लेकर के उसकी माँ गई थी और उसका नाना गया था मुस्तफ़ा और उसका मामू राजू गया था। अच्छा, ये तीनों गया था, ये तीनों ले जा करके उसको कहाँ ले जा करके रखा जो आज तक पता नहीं चल रहा है। कभी वहाँ रखता है तो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जाता है, ऐसी ये करता है। पुलिस उसको खोजबीन की है? पुलिस कहाँ खोजबीन कर रही है अभी। अच्छा, पुलिस यहाँ खाली आती है लेकिन खोजबीन नहीं कर रही है। अच्छा, हम उसको कहा कि भाई पता चल जाएगा। हाँ, देखिए पता, लेकिन मालूम यह होता है कि चार लड़कियों कभी यहाँ रखता है, कभी दूसरी जगह रखता है, कभी तीसरी जगह रखता है, ये काम चल रहा है। और दूसरी बात ये कि वो ये भी कह रहा है कि लड़की को मार देंगे हम। अच्छा, हाँ, आई नो का और फंसा देंगे, ये भी कह रहा है। एक तो मुर्गी ले जाता है सपना, और तो रात में आदमी जागता है, एगो चोर आ जाता है तो हल्ला हल्ला होता है। उसके घर में 2 मर्द और 2 लड़की माँ, एक लड़की न लबरी है न लुच्ची है, ये तो दुश्मनगिरी से ले जा करके छुपा दिया है वहाँ फुफू के यहाँ। अब फुफू कहने से 4 दिन पर लाई है और उसको फिर गाज पर दी से कोई बेरदरी, आई दूसरे को फांसी पर बेनहक चढ़ा रही, ये गलत है, ये कोई इंसान का काम नहीं है। इंसान लोग को जो है इजलास पर चढ़ाना चाहती है, इज्जतदार घर की रहती तो ऐसा नहीं करती। लोग तो चोर है, बार बार बोल रहा है कि केस उठाने के लिए, नहीं तो अभी छोटा केस किए हैं, इससे भी बड़ा कांड करेंगे तो इससे बड़ा कांड क्या करेगा? ये एक गोली मारा है, बाकी सबको मारेगा। अगर हमारे घर में कोई ऐसा घटना घटता है तो इसका जिम्मेदार जो लोग गोली मारा है वो लोग होगा, ठीक है। और थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया वाले से और पुलिस से कि लड़की जहाँ भी है पुलिस का काम है उसको खोजना, खोज के ला कर दे। उसकी माँ जो है एकदम झूठ बोल रही है, वो लोग गलत इंसान है, तब तो गोली मारी। पुपरी थाना के अंतर्गत बेलमोहन पंचायत पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक लड़की नवाई लड़की की किडनैप की बात एक केस दर्ज किया गया है, जिसके आलोक में आए हैं कुछ लोग भी और भी आए थे, उनके परिजन लोग आए थे और
उसकी जांच की जा रही है। हम लोग पर्सनली भी हमने दो जगह रेड किया था, सूचना प्राप्त हुई थी लड़की को वहाँ देखा गया है, पाया गया है, इसके संदर्भ में रात्रि में रेड की गई है पिछले दो दिन पहले। सर मुझे जो जानकारी मिल रही है कि गोली कांड है, उससे बचने के लिए यह पूरा मामला किया गया। हाँ, इस तरह का भी संज्ञान या प्रतिरक्षा साक्ष्य दिए हैं लोग कि 110-20 करके एक केस दर्ज हुई थी पुपरी थाने में ही, और उसी संदर्भ में प्रतिरक्षा साक्ष्य में दिए हैं लोग कि इसके बदले बचने के लिए दबाव डाल के लड़कियों कहीं मतलब खुद ही रखे हुए हैं और गलत केस कर दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है, हम लोग पीओ डिलीट कर चुके हैं, कुछ लोगों का बयान भी स्पष्ट रूप से आया है, लेकिन जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट अनुसंधान के बाद ही कुछ बताया।